हाय, मैं हूँ राकेश रॉय। आप देख रहे हैं रॉयल टेक रिव्यूज़। आज हम लॉजिटेक M90 और HP एसेंशियल USB माउस को टेस्ट करने वाले हैं और इसका रिव्यू करेंगे। ये दोनों माउस हमारे पास आ चुका है। एक है लॉजिटेक की तरफ से और एक है HP की तरफ से। इसमें बिल्ड क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HP माउस से। नॉर्मली हर वायर्ड माउस की पैकिंग कुछ ऐसी होती है, एक नॉर्मल सी पैकिंग, और अंदर आई थिंक पॉलीथीन के अंदर पैक रहेगा ये। अगर आप वायरलेस माउस की बात करें तो उसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर देन दिस वायर्ड माउस। इसके साथ में हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है जो कि काम का नहीं है, तो इसे हम साइड में हटाते हैं। अब एक पॉलीथीन के अंदर एक पैक है, इसको निकाल लेते हैं हम। ओके, माउस का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वेट है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है। वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेंथ भी ठीक लग रहा है मुझे। और क्लिक एक बार देख लेते हैं। ओके, प्रॉपर क्लिक भी अच्छे से काम कर रहा है, थोड़ा सा साउंड करता है जो कि नॉर्मल है। चलिए इसको साइड में करते हैं और दूसरे माउस को अनबॉक्स करके देखते हैं। और इसका हम एक और रिव्यू वीडियो इसी में ऐड करेंगे 10 डेज़ के बाद में। ओके, इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। एक पॉलीथीन में पैक है। ओके, इसे हटाते तो लुक वाइज मुझे HP से ज़्यादा अच्छा लग रहा है लॉजिटेक, और बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। केवल वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कंपेयर देन HP। चले 10 डेज़ के बाद मिलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ करने के बाद मुझे कैसा लगा। हम 10 डेज़ के बाद अभी देखते हैं। कंटिन्यू मैंने दोनों माउस को यूज़ किया अलग अलग टाइम पे। अभी भी क्लिक वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और थोड़ा सा अगर लॉजिटेक की बात करूँ तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो HP से कम साउंड आता है। और अगर आप पीछे लाइट देखेंगे तो उतना ज़्यादा ये ग्लो नहीं कर रहा है LED लाइट। एक बार हम HP में भी देख लेंगे कि ये कितना ग्लो करता है। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ये नीचे रहता है। स्क्रॉल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा लॉजिटेक का। ओवरऑल देखा जाए तो लॉजिटेक मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है लॉजिटेक में, क्लिक अच्छे से काम कर रहा है, स्क्रॉल भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो चलिए अब HP को देख लेते हैं। ओके, तो दोनों को सेम टाइम पे मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसका क्लिक थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा और स्क्रॉल भी थोड़ा गड़बड़ लगता है मुझे। वायर थोड़ा सा हार्ड है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। बट देखा जाए तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है बट जब आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील होगा। अगर आप इसकी नीचे की LED लाइट को देखेंगे तो काफ़ी तेज़ ग्लो करता है, ये देख सकते हैं आप। और पीछे जाके आप चाहे तो उसको वीडियो को देखें तो उसमें ज़्यादा उतना नहीं था, बट दोनों में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। और ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक तो प्रॉब्लम नहीं करेगा दोनों माउस। HP में आपको वारंटी मिल जाता है 3 ईयर का, लॉजिटेक में ऐसा दिखा नहीं मुझे ऑनलाइन। तो अगर मैं अमेज़ॉन पे चेक करूँ तो लॉजिटेक का जो माउस है देखिए आपको 350 में मिल रहा है, जो कि 800 के आसपास का प्राइस है। ये अभी डिस्काउंट पर अवेलेबल है, 370 का प्राइस है ये अमेज़ॉन पे। और अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए जब आप लेंगे तो मे बी और कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। लॉजिटेक में वायर्ड में लेना होता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉज करके देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप। और अगर HP माउस की बात करूँ तो देखिए ये अभी अवेलेबल नहीं है, एक दिन पहले ये अवेलेबल था, मे बी वापस अवेलेबल हो जाएगा। इसका भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है,
300 के आसपास के प्राइस में आपको ये मिल जाता है HP का। इसमें बाकी डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले या पॉज करके देख ले इसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।